हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी भक्ति रस में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और कहानी लेके आया हूँ। आज की कहानी है जो हमारे अहंकार को दर्शाती है। कभी कभी हमें इतना अहंकार, इतना घमंड हो जाता है, कुछ भी पास नहीं फिर भी हम घमंड में रहते हैं। तो एक समय की बात है, रामनगर में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। वो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगता था। उसका स्थान स्थाई था, एक ही जगह बैठा रहता था। आते जाते कोई भी मिल जाता, वो उससे भीख मांगता और जो भी राहगीर आता उसे कुछ खाने के लिए दे देता था। कभी कभी ऐसा होता उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, बेचारा भूखा ही रह जाता था। उसके शरीर पर कई जगह घाव भी हो गए थे, जहाँ से खून भी टपकता रहता था। एक युवक प्रतिदिन उस सड़क से गुजरता था, उसे देखता था। एक दिन वह उसके पास गया और बोला, बाबा तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? और ऐसी हालत हो ही गई है और तुम अब भी जीना चाहते हो? तुम ये भीख किसके लिए मांगते हो? तुम भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि वो तुम्हें ठीक कर दे या फिर इस जीवन से मुक्ति दे के अपने पास बुला ले? भिखारी बोला, बेटा तुमने ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, लेकिन भगवान मेरी विनती सुनना ही नहीं चाहता। शायद उसकी यही इच्छा है कि लोग मुझे देखें, देखकर सबक लें और समझे कि मैं भी कभी उनके जैसा ही था, उनके समान था। उनके लिए भी ऐसा समय आ सकता है, वे भी मेरी ही तरह हो सकते हैं। इसलिए आदमी को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। मैंने जीवन में बड़ा अहंकार किया है, भगवान ने मुझे उदाहरण के रूप में जीवन दे रखा है। युवक उस भिखारी के आगे नतमस्तक हो गया। उसने कहा, आपने मुझे जीवन के सच से अवगत कराया है कि जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि कभी अर्श पर और कभी फर्श पर, अर्श से फर्श पर आने में और फर्श से अर्श पर जाने में देर नहीं लगती। मैं उसके लिए सदैव आपका ऋणी रहूँगा, आपकी बात को हमेशा याद रखूँगा। तो कहने के लिए तो छोटी सी कहानी है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इतना एटीट्यूड, इतना घमंड, कभी सीधे मुँह किसी से बात ही नहीं करते, अकड़ कर बोलते हैं। अरे किसी से बात नहीं करनी तो आप प्रेम से मना कर सकते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, समय का अभाव है, जो भी कारण है, लेकिन आप किसी को धुतकार दो। मैं तो ये भी कहूँगा, कोई आपके द्वार पर मांगने आए तो अगर आप उसे कुछ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, कम से कम उसे गाली मत देना कि भाग यहाँ से, निकल यहाँ से, मांगता रहता है, भिखारी कहाँ से आया। ऐसा कुछ मत कहिएगा, हाथ जोड़ो और कहे कि बाबा आगे जाइए, कि बाबा प्रणाम, इतना ही कहिएगा, वो बाबा खुद ही आगे चला जाएगा। लेकिन उसको आप गाली गलौज मत कीजिएगा, उसको आप कुछ भी मत दीजिएगा। मैं नहीं कहता आप दान ही दो, लेकिन कम से कम गाली मत देना। कुछ नया दे सको तो गाली तो मत दो प्लीज़, इतना जरूर कीजिएगा, वो खुद ही आगे चला जाएगा। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हमें काफ़ी चीज़ें सिखाती हैं, और जिनके जीवन में ये कहानियाँ घटी हैं उन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। तो ये कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लेके आया। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किससे प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हरे कृष्णा।